हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक नेचुरल इंसेक्टीसाइड के बारे में। एक नेचुरल इंसेक्टीसाइड जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप हर तरीके के पौधे पर कर सकते हैं। आजकल एफिड्स का अटैक हमारे पौधों पर, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये काले रंग के कीड़े होते हैं और फूलों से और कलियों से चिपके रहते हैं। काफ़ी सारी सब्जियों पर भी इनका अटैक होता है। अगर आपने घर पर सब्जियां लगा रखी हैं तो ये सब्जियों में भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। जिस इंसेक्टीसाइड को बनाने के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल आप हर तरीके के पौधे पर कर सकते हैं और हर तरीके के कीड़े और फंगस को ख़त्म करने के लिए उसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसमें से जो पहली चीज़ है वो है संतरे का छिलका। संतरे के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप पौधे को दे सकते हैं, क्योंकि संतरे के छिलके में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। संतरे के छिलके बहुत सारे कीड़े जैसे कि एफिड्स, चींटियां, सफ़ेद कीड़े और सब्जियों पर लगने वाले कीड़ों को प्लांट से दूर रखते हैं। इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से अपने पौधे पर कर सकते हैं। चाहे कोई भी पौधा हो, अगर आपके पास कोई सब्जियों का पौधा है या फिर फूलों का, तो आप इसके छिलके को सुखाकर इसकी मिट्टी में फैला देंगे तो इससे चींटियां और कीड़े तुरंत से गायब हो जाएंगे। आप संतरे के छिलके का पाउडर बनाकर भी उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। ऐसा करने से भी चींटियां और कीड़े तुरंत से आपके पौधे से गायब हो जाएंगे। जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है नीम की पत्तियाँ। आप सबको पता है कि नीम की पत्ती एक सबसे बढ़िया नेचुरल इंसेक्टीसाइड है। पहले के टाइम जब कोई इंसेक्टीसाइड या फिर फंगीसाइड नहीं होता था तो इन्हीं नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था कीड़े और फंगस को दूर करने के लिए। इसको स्टोर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आप रोज़ रोज़ नीम की पत्तियां लेने नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको नीम की पत्तियाँ मिल जाएँ तो आप इनको किसी छाया वाली जगह पर सुखा कर स्टोर कर लीजिए। इसको आपको धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि अगर आप धूप में सुखाएंगे तो जो इसकी गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आपको छाया वाली जगह पर ही सुखाना है। ये मैंने सुखाकर पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल आप मल्चिंग की तरह भी कर सकते हैं किसी भी पौधे में। अगर किसी भी पौधे में कीड़े लगे हों तो आप इसकी पत्तियों को सुखाकर पौधे की मिट्टी में अगर फैला देंगे तो इससे चींटियाँ तुरंत से गायब हो जाती। नीम की पत्तियों को सुखाकर आप पॉटिंग मिक्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की मिट्टी में लगने वाले कीड़े इसमें नहीं लगेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं कि बहुत सारी सब्जियां हम घर पे उगाते हैं तो हम उनके ऊपर केमिकल इंसेक्टीसाइड या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ये इंसेक्टीसाइड आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये जो नेचुरल इंसेक्टीसाइड है ये किसी भी तरीके का पौधे को भी नुकसान नहीं करेगा, और ख़ासकर जो सब्जियां हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वहां आप इन इंसेक्टीसाइड का इस्तेमाल करें तो उसका कोई बुरा असर हमारे शरीर के ऊपर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कि हम इन दोनों ही चीज़ों को मिलाकर एक पावरफुल लिक्विड इंसेक्टीसाइड कैसे तैयार कर सकते हैं, और अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे पर लगे हुए कीड़े तुरंत से ही गायब हो जाएंगे। तुरंत से ही क्या, कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि वो कीड़े आपके प्लांट से गायब हो जाएंगे। उनको आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लिक्विड इंसेक्टिसाइड आप बनाकर अपने पास 2 या 3 दिन स्टोर कर सकते हैं। ये जो चीज़ें बच गई हैं आप इनको फेंके ना, इसको आप किसी भी पौधे की मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए। इससे भी कीड़े आपके पौधे से दूर हो जाएंगे और जब ये मिट्टी में डिकम्पोज होगा तो मिट्टी को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी देगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो लिक्विड इंसेक्टिसाइड हमने तैयार किया है उसका स्प्रे मैं अपने उन सभी प्लांट्स पर कर दूंगी जहाँ पर मुझे कीड़े लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे पास अभी यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे हैं जिसके ऊपर कीड़े लग रहे हैं। खासकर अगर आपके पास इस समय गुड़हल का प्लांट है तो गुड़हल के प्लांट पर एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लगातार 2 दिन इसका स्प्रे कर देंगे तो एफिड्स आपके गुड़हल के पौधे से एकदम से गायब हो जाएंगे। या फिर गुड़हल के अलावा अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं तो गुलाब के पौधे पर भी इस सीज़न में एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। उसके ऊपर भी अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे से ये बिल्कुल भी गायब हो जाएंगे। आपके पास कोई भी पौधा है, सभी पौधों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लगातार 2 या 3 दिन इसका स्प्रे कर देंगे तो आपको महीनों कीड़े आपके पौधे पर दिखाई नहीं देंगे। फ्रेंड्स, मैं भी इन्हीं इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल अपने पौधे पर करती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही मैं केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। आप इस इंसेक्टिसाइड को 2 या 3 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डिस्टिल वाटर में बनाते हैं इस इंसेक्टिसाइड को, तो थोड़ा लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिन तक इस इंसेक्टिसाइड को स्टोर करके रखना है तो आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बनाकर तुरंत आपके पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपके पौधे के ऊपर। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नीम की पत्तियों को और संतरे के छिलके को सुखाकर अपने पास रख लीजिए और जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो तो आप इनको पानी में उबालकर इसका इंसेक्टिसाइड तैयार कर लीजिए। आप उसका स्प्रे जब अपने पौधे पर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नेचुरल खाएं और नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें अपने पौधों के ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केमिकल चीज़ें ही पौधे के ऊपर काम करती हैं, ये नेचुरल चीज़ें भी हमारे पौधों के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। बस इनका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पौधे के ऊपर करना पड़ता है। तो फ्रेंड, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उन सब का साइंटिफिक रीज़न है, बिना आधार के मैंने कोई भी जानकारी आपको नहीं दी है। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।